जानिए क्या है ज्योति मौर्या का फॉर्चूनर कनेक्शन। अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा विवाद। उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित मामला, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और पति आलोक मौर्या झगड़ा लगातार जो है इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। ज्योति और आलोक के झगड़े को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इन दोनों का मामला राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। बता दें कि पीसीएस अधिकारी और बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्या ने अपने पति और उनके परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले मौर्या दंपति ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाए थे, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनके तलाक का मामला दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंच चुका है। एसडीएम ज्योति मौर्या ने एक अर्जी डाली है जिसमें इस बात का खुलासा किया है कि उनके और पति के शादीशुदा जिंदगी में भयंकर तूफान कब और कैसे आया। सूत्रों की माने तो दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ज्योति मौर्या ने पति आलोक और उनके परिवार वालों पर फॉर्चूनर गाड़ी मांगने का आरोप लगाया है। ज्योति के ससुराल वालों ने उन पर फॉर्चूनर देने का दबाव बना रहे थे। बाद में यही फॉर्चूनर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ज्योति और आलोक की शादीशुदा जिंदगी में खलल पड़ने लगा, और अगर ज्योति की माने तो आलोक के परिवार वालों ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले प्रयागराज के देव प्रयागम कॉलोनी की रहने वाली पीसीएस अधिकारी ने अपने पति आलोक मौर्या के खिलाफ धूमनगंज थाने में केस दर्ज करवाया था। ज्योति ने आलोक पर फॉर्चूनर गाड़ी मंगाने का आरोप लगाया था। वहीं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का मामला उस समय प्रकाश में आया था जब ज्योति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, और उस वीडियो में वो अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करती हुई नजर आई थी। फिर मामला उस समय तूल पकड़ा जब पति आलोक मौर्या ने मीडिया के सामने आकर उन पर आरोप लगाया कि पत्नी ज्योति मौर्या को पढ़ाने का खर्चा उन्होंने उठाया, लेकिन जब वो अधिकारी बन गई तो उनका किसी और के साथ चक्कर चलने लगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।